रीवा जिले के तराई अंचल में कई सामुदायिक व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का बुरा हाल है। यहाँ पर डॉक्टर की जगह अब लोगों का इलाज ड्रेसर कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि स्वास्थ्य केंद्रों में 4 से 5 डॉक्टरों की नियुक्ति है, लेकिन इनकी नियुक्ति सिर्फ और सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। कभी स्वास्थ्य केंद्र नहीं आते हैं, जिसके चलते ग्रामीण परेशान होकर गाँव में बसे झोला छाप डॉक्टरों को दिखाते हैं, जिससे कई बार अनहोनी भी हुई है। लोगों की सही समय पर और सही इलाज न मिलने के चलते कई बार जाने जा चुकी हैं। जनपद पंचायत जवा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोनी में यही देखने को मिला। अस्पताल तो खुला था, लेकिन डॉक्टरों की कुर्सी खाली पड़ी थी। कुछ लोग आए लौट गए, वजह डॉक्टर नहीं था। उसके इलाज हुए तो उन्होंने बताया कि अस्पतालों में रहते हैं, ग्रामीणों के द्वारा परेशानी बताए जाने पर उन्हें दवा दे दी जाती है। और अब सवाल यह है कि क्या डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ कागज तक ही सीमित हैं, या वह स्वास्थ्य केंद्रों में आकर ग्रामीणों का इलाज भी करते हैं। ऐसी ही दूसरी तस्वीर जवा जनपद पंचायत अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चौखंडी का है। यहाँ भी ठीक उसी तरह हाल रहा, जहाँ मरीज तो हैं, लेकिन यहाँ भी ड्रेसर छोटे मोटे बीमारियों का इलाज कर दवा देते नजर आए, लेकिन डॉक्टर कहीं नजर नहीं आए। पूरे मामले को लेकर बीएमओ ज्ञानेंद्र त्रिपाठी का कहना है कि डॉक्टर हर रोज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध रहते हैं। अगर वह आज स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध नहीं थे तो उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा, और अगर दोषी पाए जाते हैं तो उन पर कार्यवाही भी की जाएगी। यहाँ मेरा नाम इंद्र शरण साहू है सर। यहाँ मेरे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पर डॉक्टर कोई भी नहीं है। हालांकि नियुक्ति हुई है पर डॉक्टर यहाँ बैठते नहीं है। दवा कौन करते हैं? यहाँ एक ड्रेसर है पटेल जी, वही थोड़ा इधर उधर दवा आदमी को कर देते हैं, बुखार सुखार को दवाई दे देते हैं। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आदमी को अतरेला, जवा, पटेहरा, रीवा, जहाँ जैसा लगता है वहाँ जाना पड़ता है। इसलिए यहाँ तो बहुत प्रॉब्लम है। एक कंपाउंडर है तो कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। कितने लोगों की नियुक्ति है यहाँ डॉक्टरों की? यहाँ चार डॉक्टरों की नियुक्ति है। आके बैठते हैं रेगुलर? कोई नहीं बैठता सर, कोई भी डॉक्टर यहाँ नहीं बैठते हैं। डॉक्टर के नाम पर नहीं, वही कंपाउंडर आते हैं तो कभी काल आते हैं, और नहीं परमानेंट यही पटेल रहते हैं। ठीक है, उनको मैं कारण बताओ नोटिस जारी करूंगा। बाकी वो वहाँ प्रतिदिन रहते हैं, डॉक्टर चौखंडी के भी वहीं रहते हैं, कोनी के भी डॉक्टर रहते हैं। ग्रामीण ऐसा कह रहे थे कभी नहीं है? नहीं, ग्रामीण नहीं भाई, 13 मरीज वहाँ पे प्रतिदिन आते हैं, 10 मरीज 12 मरीज 13 मरीज। कोनी में मरीज तो भी कम है, क्योंकि वहाँ नया अस्पताल खुला है, और जब से वहाँ का अस्पताल खुला है तो शासन के द्वारा कभी चिकित्सक की पदस्थापना ही नहीं रही। पिछले 2 महीने में वहाँ चिकित्सक आए हैं, तो लोगों को अभी पता भी नहीं है कि अब चिकित्सक की यहाँ पदस्थापना हुई है। धीरे धीरे लोगों को पता चल रहा है और मरीज आने शुरू हुए। बाकी संसाधन है तो क्या पर्याप्त है सर? किस चीज़ के लिए? उपचार के लिए। उपचार के लिए संसाधन पर्याप्त है, जो मरीजों के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्तर पर सुविधाएं शासन का मानक है, उसके हिसाब से सभी सुविधाएं हैं।